हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टैंड बाई प्रॉब्लम को कैसे बाईपास किया जाता है। स्टैंड बाई को बाईपास करने का यह बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सलोरा कंपनी का टीवी है और ये 14 इंच का कलर टीवी है। इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है, स्टैंड बाई वाला इंडिकेटर जल रहा है लेकिन ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये सलोरा कंपनी का टीवी है और हम अब इसको ठीक करेंगे स्टेप बाई स्टेप तरीके से। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा उसको स्टेप बाई स्टेप तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्टैंड बाई का इंडिकेटर जल रहा है। अब इसको हमने स्टैंड बाई को रिलीज़ कर दिया है, इंडिकेटर ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी टीवी स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये इस पर टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम स्टेप बाई स्टेप तरीके से चेक करेंगे कौन कौन से वोल्टेज में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, इस टीवी को हम रिपेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सलोरा कंपनी का मॉडल नंबर दिया गया है और इसी तरह दोस्तों सेम किट लगता है वीडियोकॉन, सेंसुई और अकाई के टीवी में। तो ये सलोरा, वीडियोकॉन, सेंसुई, अकाई, ये चारों दोस्तों सेम किट लगते हैं और इसी तरह का इसमें सर्किट लगा हुआ है। जो भी किट लगा है बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। तो आपको ये वीडियोकॉन, सेंसुई और अकाई में भी देखने को मिल जाएगा, सेम किट आपको ऐसा ही मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो दोस्तों, आप ये चारों कंपनी के टीवी को आप एक ही तरह से रिपेयर कर सकते हो, सेम किट रहता है, सेम उसका सर्किट रहता है। तो दोस्तों, ये है इस टीवी का किट और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस किट को। और सबसे पहले दोस्तों हम इसमें देखेंगे कोई कैपेसिटर फूला हुआ तो नहीं है। तो इस तरह का दोस्तों प्रॉब्लम अगर आता है तो कई बार कैपेसिटर फूले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वोल्टेज कम बनता है। तो यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर हमें फूला हुआ नहीं दिख रहा है, सभी कैपेसिटर बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों, ये पहला स्टेप है दोस्तों, इसको सबसे पहले कोई भी कैपेसिटर फूला हुआ दिख रहा हो तो उसको पहले ही चेंज कर दिया जाए। यहाँ पर सभी कैपेसिटर सही दिख रहे हैं, इसलिए हम इसके सभी वोल्टेज को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें कहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो यही सेम किट दोस्तों वीडियोकॉन, सेंसुई और अकाई में भी आपको मिल जाएगा, सेम तरह का किट। तो ये इसका किट है दोस्तों। चलिए अब इसके सभी वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं। ये है 110 वोल्ट की लाइन, यहाँ पर 117 वोल्ट बन रहा है, ठीक ही बन रहा है। और ये 12 वोल्ट की लाइन में 11.3 वोल्ट बन रहा है। और इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये है 12 वोल्ट की लाइन, ये साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई जाता है। तो ये सभी वोल्टेज हमारे सही बन रहे हैं। तो अब हम ESD से 180 वोल्ट बन रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 180 वोल्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर स्टैंड बाई काम करेगा, रिलीज़ हो जाएगा तो 180 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर नहीं बन रहा है, 117 वोल्ट ही दिख रहा है। तो ट्यूनर पर वोल्टेज देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टैंड बाई रिलीज़ होने के बाद 5 वोल्ट आना चाहिए, 1.9 वोल्ट आ रहा है। और ये मेमोरी आईसी पे पूरे वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों, 5 वोल्ट आ रहे हैं। SCL SDL दोनों काम कर रहा है और हमारा जो आईसी है उस पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा आईसी काम कर रहा है दोस्तों, जो रिमोट सेक्शन है और IR सेंसर के लिए वोल्टेज जो है वो सही बन रहे हैं। हमारा स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 1.9 वोल्ट बन रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 12 वोल्ट इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर पे जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस चला जाता है 5 वोल्ट रेगुलेटर के लिए, जो स्टैंड बाई रिलीज़ करता है। तो 1.9 वोल्ट ही ये बना पा रहा है दोस्तों, ये बनना चाहिए 5 वोल्ट। तो ये 1.9 वोल्ट आ रहा है दोस्तों और यही वोल्टेज आपको ट्यूनर पे देखने को मिल रहा है। तो इसके बेस पर 2.5 वोल्ट आ रहा है, इसके कलेक्टर पे 10 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। तो इसके ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर जो दो तीन और ट्रांजिस्टर लगे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन सभी ट्रांजिस्टर को हमको निकाल के एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे।
तो मेन दोस्तों हमारा जो फॉल्ट आ रहा है ये 5 वोल्ट पूरे नहीं बनने के कारण आ रहा है, और ये वाला जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये हमारा मेमोरी आईसी को जा रहा है और आईआर सेंसर को ये वोल्टेज जा रहा है, तो ये वोल्टेज आईसी को भी जा रहा है रिमोट सेक्शन को काम कराने के लिए और आईआर सेंसर को जा रहा है, तो ये वोल्टेज हमारा सही बन रहा है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए और जो ट्यूनर पे जाता है तो ये 5 वोल्ट नहीं बन रहा है। इनपुट इसका वोल्टेज सही आ रहा है लेकिन ये आउटपुट पूरा नहीं कर रहा है और इसका बेस पे भी वोल्टेज कम आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इन ट्रांजिस्टर को हमको निकाल लेना है और दूसरा लगा के देखना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है बड़ा वाला, उसके साथ में जो ट्रांजिस्टर लगा है ये है 5 वोल्ट का रेगुलेटर, और इनके साथ में एक दो और ट्रांजिस्टर लगे हैं जो स्टैंड बाई को रिलीज़ करता है और 5 वोल्ट जो मेमोरी आईसी को जाता है वो सब यहाँ पर वोल्टेज है, और एक और रेगुलेटर वोल्टेज है दोस्तों जो 12 वोल्ट को रेगुलेट करता है। तो ये सभी ट्रांजिस्टर को हमें एक बार चेक कर लेना है दोस्तों और नया यहाँ पर लगा के देख लेना है, उसके बाद भी अगर स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं होता है तो आगे के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने सभी ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल के चेक कर लिया है और चेंज करके भी देख लिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई का वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक सीक्रेट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और इस मॉडिफिकेशन को करने के बाद दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक करना है सबसे पहले आपको, और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लेना है, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, स्टैंड बाई का वोल्टेज नहीं बनता है 5 वोल्ट या स्टैंड बाई रिलीज़ नहीं हो रहा है, तभी ये मॉडिफिकेशन आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लेना है। तो दोस्तों मैं जो ये सीक्रेट मॉडिफिकेशन ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक दोस्तों इतना सीक्रेट है, ऐसे सीक्रेट ट्रिक कोई भी टेक्नीशियन किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीखकर कुछ आपका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो में अच्छे लाइक्स आप देते हो तो मैं ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगा, और ये तो सलोरा कंपनी के टीवी के लिए बता रहा हूँ जो कि सलोरा वीडियोकॉन सेंसुई और अकाई में जो सेम किट लगता है उसमें काम करेगा, और भी चाइनीज़ किट है और भी बहुत सी कंपनियों के ब्रांडेड कंपनियों के जो किट है उनके भी बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो को आप अच्छी तरह से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तभी मैं आपको ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो को आप अच्छी तरह से लाइक और शेयर करोगे तभी हमें पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तभी हम आगे भी ऐसे वीडियो डालेंगे। अगर अच्छा आप लाइक वगैरह नहीं करते हो तो हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम ऐसे वीडियो दोबारा नहीं डालेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप खुद सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस सीक्रेट मॉडिफिकेशन ट्रिक के बारे में बता दूं। इसके लिए दोस्तों आपको एक रेक्टिफायर डायोड चाहिए, रेक्टिफायर डायोड कोई भी नंबर का आप ले सकते हो, BA159 या IN4007 या IN5399 RL207 कोई भी आप ले सकते हो, रेक्टिफायर डायोड लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान से देखना है दोस्तों मैं कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। तो इसका जो डायोड है दोस्तों उसमें दो पॉइंट होते हैं, एनोड और कैथोड। तो एनोड वाला जो हिस्सा है दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लैक साइड, ब्लैक कलर का जो साइड है वो एनोड है, और यहाँ पर रिंग लगा हुआ है वो कैथोड है। तो एनोड आपको 12 वोल्ट सप्लाई की लाइन पर लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये वाला जो लाइन है ये 12 वोल्ट सप्लाई का है, तो यहाँ पर एनोड को आपको इस तरह से सोल्डर करना है, और उसके बाद कैथोड कहाँ लगाना है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जम्पर लगा हुआ है, और जम्पर के बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस जा रहा है 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 5 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है ये 12 वोल्ट सप्लाई लाइन, यहाँ पर आपको एनोड लगाना है और कैथोड यहाँ पर लगाना है आपको,
ये देखिए इस रेजिस्टेंस से पहले लगाना है। जंपर के उस साइड भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस के पहले आपको इसका जो कैथोड है वो लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहे हैं, 11.2 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट की लाइन है, तो यहाँ पर 2.7 वोल्ट आ रहे हैं और ये जंपर लगा हुआ है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लग के 2.5 वोल्ट आ रहा है, तो 2.5 वोल्ट यहाँ पर इसके बेस पर आ रहा है और आउटपुट इसका 1.9 वोल्ट हो रहा है। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर से आउटपुट हो रहा है 1.9 और ट्यूनर पे जा रहा है 1.9। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये डायोड लगा देते हैं, तो इसका एनोड लगेगा यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई की लाइन पर, 12 वोल्ट डीसी पर। अब इसका कैथोड लगाना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये जंपर लगा हुआ है, आप जंपर के इस साइड भी लगा सकते हो या फिर जंपर के इस साइड लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं इसी साइड लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर जंपर लगा हुआ है। तो इस तरह से इसका एनोड और कैथोड को लगा देना है। उसके बाद चलिए दोस्तों अब इसकी सप्लाई हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 वोल्ट रेगुलेटर के आउटपुट पर 4.9 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 5 वोल्ट पूरा बन गया है, ये देखिए दोस्तों। और इसके ट्यूनर पे देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 5 वोल्ट बन रहा है, तो ये जो वोल्टेज हमारा सही हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 27 वोल्ट आ रहे हैं जहाँ पर हमने डायोड लगाया है उसका कैथोड, और यहाँ पर इसका बेस पे 5.6 वोल्ट आ रहे हैं जो बेस पर 2.5 आ रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों आप इस सीक्रेट मॉडिफिकेशन को ट्राई कर सकते हो, 100% वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल ओके हो चुका है। एक बार फिर से इसके वोल्टेज आप देखिए, यहाँ पर बेस पर 5.6 वोल्ट पहुँच गए हैं जो यहाँ पर 2.5 आ रहे थे, ये देखिए बेस पर। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट बन गया है, ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट आ रहा है। तो इसका आईसी पे अब 5 वोल्ट सप्लाई जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर काम करेगा, फिर इसका ईएसटी बन जाएगा। तो अब हम टीवी की ओर देख लेते हैं, इसका टीवी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए इसका फॉल्ट क्लियर हो चुका है, टीवी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर। तो इस तरह से दोस्तों आप सीक्रेट मॉडिफिकेशन करके इस टीवी को ऑन कर सकते हैं। ये जो मॉडिफिकेशन ट्रिक है दोस्तों वो सलोरा, वीडियोकॉन, सेंसुई और अकाई पे काम करेगा, जिस पर सेम किट लगा रहता है, इसी टाइप का किट लगा रहता है उस पर ये जो मॉडिफिकेशन है वो बिल्कुल सही काम करेगा। अन्य जो किट है उनमें मॉडिफिकेशन करने का तरीका कुछ अलग होता है, तो उसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तभी जब आप इस वीडियो पे कम से कम आप 2000 लाइक्स दे दोगे, तब इस तरह के सीक्रेट चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये टेक्नीशियन का सीक्रेट चीज़ें होती है दोस्तों, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन आपके भलाई के लिए हम ये शेयर कर देते हैं। कम से कम हमें 2000 लाइक आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों लाइक करने से आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपके लिए, सीक्रेट वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आप कमेंट करके वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।